नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं आपको कुछ ऐसे दो तीन दिन, मैं दरअसल योग वगैरह आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि योग में बताने जैसा कुछ नहीं होता। योग अपने आप बना के देखे जाते हैं। योग आप अपने आप बनाना सीखिए ग्रहों के कम्बिनेशन से। आपको मालूम है कि भाई ग्रह, एक ग्रह धनेश है, एक ग्रह भाग्येश है, दोनों साथ बैठे हैं तो धन के लिए बहुत अच्छा है। धन भी का स्वामी भी है, भाग्य का स्वामी भी है, तो धन के लिए अच्छा है। अपने आप धन के लिए एक अच्छा योग हो गया। एक धन भाव है, एक गुरु बैठा है साथ में और साथ में कोई और बैठा है, तो धन गुरु भी धन का कारक है, तो वो अपने आप कुछ योग बन जाता है उसके अंदर। तो योग तो अपने आप बनते हैं, लेकिन कुछ दो तीन योग मार्केट में जो अवेलेबल हैं जिनके बारे में बहुत बातें होती हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि किसी की कुंडली भी देखी और कुंडली देख के जब कुछ नहीं मिलता तो बोलते हैं यार तुम्हारी कुंडली में तो गज केसरी योग है, तुम खुश रहो, तुम्हारी बहुत बढ़िया होगी। तो गज केसरी योग का उनका मतलब क्या होता है, वो करते हैं कि सीधा कि भाई चंद्र यहाँ बैठा हो या तो गुरु चंद्र यहाँ बैठे हो तो गज केसरी योग बन गया, एक साथ बैठे हो, या चंद्र यहाँ बैठा हो और गुरु यहाँ बैठा हो केंद्र में, दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो तो बोल देते हैं कि ये गज केसरी योग बन गया, जबकि ऐसा नहीं होता। गज केसरी योग बनना किसी कुंडली में बहुत ही मुश्किल है। अगर गज केसरी योग बन गया तो राजा के समान आदमी होता है, हर किसी कुंडली में नहीं बनता। अभी गुरु चंद्र यहाँ बैठ गए आठवें भाव में, छठे भाव में या बारहवें भाव में, तो ये तो योग क्या हो गया, ये तो दुर्योग हो गया बेसिकली, कि छठे आठवें बारहवें में कोई योग थोड़ा बनता है, बहुत सारे योग भंग हो जाते हैं। या गुरु और चंद्रमा केंद्र में तो एक दूसरे से बहुत कुंडली के अंदर आपको मिलेंगे, बहुत कुंडली मिलेंगे आपको। आप अगर देखना चाहेंगे तो गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में आपको बहुत सारी कुंडली के अंदर मिलेंगे। तो क्या हर कुंडली में गज केसरी योग होता है? ऐसा नहीं। गज केसरी योग बहुत इम्पोर्टेंट योग होता है और इसके लिए मैं आपको जो थोड़ा हवाला दूंगा वो दूंगा बृहत पाराशर होरा शास्त्र का, जिसमें एक वो है अध्याय है विविध योगा अध्याय, विविध योगा अध्याय, ये बृहत पाराशर होरा शास्त्र में दिया हुआ है। इसके अंदर आप जाएंगे पढ़ेंगे अगर तो उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें वो कहते हैं कि लग्न से, आप जरा ध्यान से सुनिए कि लग्न से वह चंद्रमा से, लग्न से वह चंद्रमा से गुरु अगर केंद्र में हो, लग्न से वह चंद्रमा से गुरु अगर केंद्र में हो और वो मित्र राशि में हो, अस्त ना हो, नीच राशि में ना हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो गज केसरी योग बनता है। अब देखिए कैसे अब हुआ कि एक तो कंडीशन आपकी जरूरी क्या हुई कि लग्न और चंद्रमा से, लग्न व चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, एक कंडीशन तो ये है कि दोनों से केंद्र में होने चाहिए। चंद्र से गुरु केंद्र में हो ये नहीं चलेगा, ये राजयोग जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ऐसा नहीं है। लग्न से व चंद्रमा से दोनों से गुरु केंद्र में हो, नंबर वन। मित्र राशि में हो, अस्त ना हो, शत्रु राशि में ना हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह से दृष्ट। शुभ ग्रह कौन सा बचा अब इसमें, शुभ ग्रह से दृष्ट यानी शुभ ग्रह तो शुक्र बचा, यानी शुक्र से दृष्ट हो तब गज केसरी योग बनता है। और ये योग बनना बहुत आसान नहीं है। हजार कुंडली देखेंगे आप, 2000 कुंडली देखेंगे आप, तब किसी एक कुंडली में जाकर आपको ये वाला योग मिलेगा गज केसरी योग बनना। ये राजा के समान योग होता है, इसमें राजा के समान आदमी धनवान होता है, राजा के समान आदमी इसके अंदर यशवान होता है, उसका गुणगान होता है हर जगह। तो ये सिंपल योग नहीं है क्योंकि लग्न वे चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, यानी लग्न आपका ये वाला हो गया, इससे गुरु केंद्र में होना चाहिए। मान लिया 1 2 3 4 गुरु यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, तो लग्न में चंद्रमा से गुरु, लग्न से तो गुरु केंद्र में आ गया। अब चंद्रमा मान लिया यहाँ बैठा है, सपोज कीजिए, तो चंद्रमा से भी केंद्र में गुरु को होना चाहिए। अब चंद्रमा से गुरु केंद्र में कभी होगा, जब चंद्रमा से वो 1 4 7 10 होगा, चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 ये केंद्र में नहीं आया, फिर क्या होगा कि चंद्रमा यहां बैठा हो मान लिया, अब क्या हुआ कि लग्न से गुरु केंद्र में हो गया और चंद्रमा से भी गुरु केंद्र में हो गया, चंद्रमा से काउंट करेंगे तो ये 7वां भाव हो गया, और इनमें से किसी एक पर शुक्र की दृष्टि हो
शुक्र की दृष्टि हो, तब ये योग बनेगा। अब शुक्र की दृष्टि दिखाइए, कहाँ से दिखाएंगे आप शुक्र को? इसको इसमें कहीं शुक्र आपको देखने साथी दृष्टि से देख ही नहीं पाएगा। या तो शुक्र फिर यहाँ पर ही आना चाहिए, या शुक्र फिर यहाँ पर ही आना चाहिए। तो शुक्र की दृष्टि हो, जैसे शुक्र अगर इस भाव में आ गया तो शुक्र की दृष्टि हो जाएगी। तो गुरु लग्न से भी केंद्र में है, चंद्र से भी केंद्र में है, शुक्र की दृष्टि है, तब जाके ये योग बनता है। और उसके अंदर भी ये जरूरी है कि ये शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए गुरु वगैरह, तो वो चीज़ होती है। क्योंकि गुरु देखिए चंद्र की राशि में है तो शत्रु राशि में नहीं है, मित्र की राशि में है। तो अगर ये किसी और राशि में होता तो वहाँ पर भी ये योग नहीं बनता। तो जरूरी है कि गुरु आपका एक तो मित्र राशि में हो, अस्त ना हो, और शुभ ग्रह से दृष्ट हो। तो शुभ ग्रह से दृष्ट हो गया कि जो शुक्र जो है वह बैठ गया, वो इसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो ये बन रहा है, तब ये योग बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग गजकेसरी योग। तो आशा करता हूँ ये गजकेसरी योग आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक योग और है जिसकी मार्केट में बहुत चर्चा होती है, नीच भंगराज योग। नीच भंगराज योग कुंडली के अंदर बहुत बनते हैं और बहुत टूट जाते हैं नॉर्मली। मतलब आप देखिए किसी भी कुंडली के अंदर वो बोलेंगे जी नीच भंग, आपका नीच का ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन आपका नीच भंग हो गया, एकदम नीच का भंग भी हो जाता है बिल्कुल, और वो राजयोग बता देते हैं उस चीज़ को। तो पहली बात तो ये कि जो नीच भंग होता है उससे ये तो कन्फ्यूजन मत रहिए कि कोई राजयोग बन जाता है। नीच भंग होने से उस ग्रह की जो हानि करने का स्वभाव होता है वो चेंज हो जाता है, और वो उस भाव का स्वभाव अच्छा करना, भाव का जो फल है वो अच्छे करने लगता है। अब इसके बारे में आप फल दीपिका में अगर पढ़ेंगे तो फल दीपिका में दो श्लोक हैं इसके बारे में, और श्लोक मैं कहीं ढूंढ रहा हूँ मुझे नहीं मिल पाए इसके बारे में, नीच भंग राजयोग के बारे में। फल दीपिका में दो श्लोक हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उनमें क्या लिखा है कि नीच भंग राजयोग कैसे होता है। उसमें क्या है, पहला श्लोक फल दीपिका में अगर आप पढ़ेंगे, ये फल दीपिका में आप पढ़िए, फल दीपिका में आपका श्लोक, मैं आपको इसलिए किताब का नाम भी लिख रहा हूँ कि आप लोग ये पढ़ने की आदत डालें अपने अंदर। श्लोक है 26, जो योग वाला अध्याय है इनका, उसमें देखिए 26 नंबर श्लोक में ये कहते हैं कि नीच भंग राजयोग कब होगा। सपोज कीजिए शनि यहाँ आ गया मेष राशि में, शनि मेष राशि में, शनि नीच का हो गया। तो जब कोई ग्रह नीच की राशि में हो, और जब कोई ग्रह नीच की राशि में हो और उसका उच्चनाथ भी, उच्चनाथ कौन सा हुआ इसका, देखिए शनि मेष में नीच का है, शनि उच्च में किसका होता है, शुक्र का, तुला राशि में, तुला राशि का स्वामी कौन हुआ, शुक्र हुआ, यानी शनि का जो उच्चनाथ है वो शुक्र हुआ। शनि मेष में नीच का है इसलिए शनि का जो उच्चनाथ है वो शुक्र हुआ, क्योंकि शनि तुला में उच्च का होता है और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र अगर चंद्र से केंद्र में हो, यानी अगर यहाँ चंद्र बैठा है और इससे केंद्र में, यानी कि इससे चौथा हो, 1 2 3 4 यहाँ पे शुक्र बैठा हो, या 7 में हो, 5 6 7 यहाँ बैठा हो, या 10 कहीं 1 4 7 10 भाव में बैठा हो, तो माना जाता है कि ये नीच भंग हुआ है। ऐसे सिंपल नहीं है नीच भंग होना। नीच भंग होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये देखिए कि जो आपकी जिस वो ग्रह आपका जिस राशि में नीच का हो रहा है वो ग्रह किस राशि में उच्च का होता है वो आप देख लीजिए। अब जैसे शनि मेष राशि में नीच का हो रहा है तो शनि उच्च का होता है तुला राशि में, उसका स्वामी यानी तुला राशि का स्वामी हुआ शुक्र। अगर चंद्र से केंद्र में हो, चंद्र से केंद्र में जहाँ चंद्र बैठा हो वहाँ से 1 4 7 4 7 10 केंद्र भाव कौन से होते हैं, 1 4 7 10 तो चंद्र जहाँ बैठा हो वहाँ से 1 4 7 10 यानी चंद्र के साथ बैठा हो, चौथे भाव में हो, सातवें भाव में हो, या दसवें भाव में हो, तब कह सकते हो कि आपका नीच भंग राजयोग, नीच भंग राजयोग बना। अब देखिए ये कितनी कुंडली में पॉसिबल है, आप इसको ला के देखिए। तो ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है। देखिए राजयोग बनना, हम लोग तो राजयोग बहुत जल्दी बना देते हैं देख के किसी भी कुंडली में,
कि आपकी कुंडली में तो ये राजयोग बन रहा है तो वारिणी आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये राजयोग बनना इट्स नॉट सो सिंपल, ये कुछ ना कुछ तो चीज़ें इनके अंदर हैं। तो जब भी आप शास्त्रों में जाओगे हमारे, तो वहाँ पढ़ोगे तब आपको मालूम चलेगा कि ये सिंपल कुछ राजयोग जो हैं ये हर कुंडली में नहीं बन जाते, जब बनते हैं तो राजयोग वाला फल करते हैं। दूसरा श्लोक इसमें आता है श्लोक नंबर 28। श्लोक नंबर 28 है इसी के अंदर ही, उसमें आप अगर आप देखेंगे तो उसमें वो ये कहते हैं कि जिस राशि में नीच ग्रह हो, यानी शनि मेष में नीच ग्रह है, उस राशि का स्वामी, इस राशि का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल अगर शनि को पूर्ण दृष्टि से देखे, मंगल शनि को दृष्टि से देखे तो मंगल देख रहा है, मंगल यहाँ बैठ जाए या मंगल यहाँ बैठ जाए तो एक दो तीन चार चौथी दृष्टि से देख रहा है। यानी जो ग्रह नीच राशि का बैठा हुआ है, उस नीच राशि का स्वामी यदि उस राशि को देखे या उस ग्रह को देखे तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो मंगल अगर इसको देखेगा या मंगल इसके साथ ही बैठ जाएगा, यानी ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है, उस नीच राशि का स्वामी अगर उस राशि को देखता है पूर्ण दृष्टि से या वहीं बैठ जाता है तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो ये नीच भंग राजयोग के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो जिसका कि बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना। तो ये मैंने आपको बताया कि ग्रह जिस भाव में, ग्रह जिस राशि में नीच का बैठा हुआ है, उस नीच राशि का स्वामी अगर उस ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है उस राशि को, और साथ में वहाँ या वहाँ पर बैठा हुआ है, तो भी वो चेंज हो जाता है। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी होती है। दूसरा जो मैंने आपको बताया वो बहुत, उसमें भी बड़ा ध्यान रखने वाला होता है, उसके दो कंडीशन उसके अंदर रखनी होती है आपने, कि शनि आपका मेष में उच्च का होता है, नीच का होता है, तो इसका उच्च का किस में होता है? तुला में होता है। तो तुला का स्वामी शुक्र अगर चंद्र से केंद्र में हो, नंबर वन कंडीशन ये है कि चंद्र से केंद्र में होना चाहिए, और नंबर टू कंडीशन ये है कि इस नीच राशि का स्वामी भी, ये जो नीच राशि है, मंगल भी चंद्र से केंद्र में होना चाहिए। शनि मेष राशि में नीच का है, तो शनि मेष राशि में नीच का है तो शनि का उच्चनाथ हुआ शुक्र, क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च का होता है। तो पहली कंडीशन तो यह कि शुक्र को चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए, चंद्र से केंद्र में, यानी चंद्र से 1, 4, 7, 10 में होना चाहिए। दूसरी बात, जिस राशि में वो नीच का हो रहा है उस राशि का स्वामी भी चंद्र से केंद्र में होना चाहिए, यानी उस राशि का स्वामी भी चंद्रमा से मंगल भी केंद्र में होना चाहिए, तब ये नीच भंग राजयोग बनेगा। ये एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बता दी, जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तब ये राजयोग होगा, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बना। थैंक यू, धन्यवाद।